आप छोटा सा कोई जैसे पहाड़ है, आपका पहाड़ का क्षेत्र है, लोहागढ़, चंपावत, चमोली, इन क्षेत्रों में बहुत सारे यहाँ तो संसाधनों की कमी नहीं है जो फ्री में मिलते हैं। आप यहाँ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग का आई थिंक सर यहाँ पे हैं जो इस फील्ड से जुड़े हैं, वो क्या कहते हैं यहाँ के जो जैसे आपने गडेरी की बात की है ना, गडेरी आप उगाए उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना के ज़्यादा लेके चल सकते हैं, या जो जो दूसरे लोग हैं उनको आप काम दे सकते हैं कि आप उगाइए हम उसको प्रोसेस करके बेचें, ठीक। या आपने क्या किया, छोटा सा कोई रेस्टोरेंट आपने जैसे चाय का एक छोटा सा व्यवसाय होता है वो स्टार्ट कर दिया, आपने समूह बनाया, समूह में कुछ पैकेजिंग का काम शुरू कर दिया, सर्विस सेक्टर में आपने किसी को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं अगर बड़े स्तर पर करना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं अभी सारे उदाहरण नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है सर्विस का। आप पहले शुरुआत सर्विस से करें किसी भी तरह की, साथ ही साथ आप और भी चीजें करें, ठीक है, उसमें कैसे आपका जो स्टेट्स वगैरह है वो यूज कर सकते हैं, कौन कौन से, जैसे टैली का सर ने एग्जांपल दिया था, टैली जैसे सॉफ्टवेयर है आप लोग उसको सीखिए, तो उससे क्या हो जाता है चीज कि उनको ऑलरेडी स्किल्ड हो रहे हैं, आईटी के बच्चे हैं ऑलरेडी, हमारे यहाँ के आईटी के स्टूडेंट जो है वो वेब डिजाइनिंग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं उनके धीरे धीरे स्किल एड ऑन हो गए इनके पास। तो जितने भी प्रोफेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी तरीके से काम कराती है और अभी से ही वो बच्चे इस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते रहिए, मैं उसमें नहीं कहूंगा कि आप लोग क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, वो बने रहिए और वो अच्छी चीज भी है, पर साथ ही साथ एक तरफ सिक्योर भी करते चलिए अपना।